हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम। इस वीडियो में JKPSC का जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट है, JKPSC ने एग्ज़ाम डेट जहां पे आउट कर दी है, एग्ज़ाम डेट की अनाउंसमेंट कर दी है JKPSC ने। KAS एग्ज़ाम अपडेट को लेके भी बात करने वाले हैं, और क्या इसके रिगार्डिंग एग्ज़ाम के आपके लास्ट मिनट टिप रहेगा, और जो फ्रेशर हैं, रिपीटर हैं, जा कैसे उन्होंने अभी अपने आप को जो प्रिपेयर करना चाहिए एग्ज़ाम डेट को देखते हुए, और जो भी JKPSC का इम्पोर्टेंट अपडेट है वो क्या रहने वाला, पूरा इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए, जो एग्ज़ाम डेट रिलीज हुई है उसे पहले चेक करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस इम्पोर्टेंट वीडियो पार्ट। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस इम्पोर्टेंट वीडियो पार्ट। तो जिया जाएगा फ्रेंड, जहाँ पे बात करें जम्मू एंड कश्मीर जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, यानी कि JKPSC की बात करें, जो आपका रिटन टेस्ट होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, सभी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में हायर एजुकेशन के लिए, उसका जो टेंटेटिवली डेट है जहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन की, जो जहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा 27 अगस्त को जम्मू और श्रीनगर के दोनों सेंटरों में, उसके बाद जो एग्जामिनेशन है, जो डिसिप्लिन एग्जामिनेशन का, वो हेल्ड किया जाएगा सेपरेटली, ठीक है। यानी कि आपके एडमिट कार्ड वो लेटर ऑन जो बताए जाएंगे, और एग्जामिनेशन की बात करें आपके 27 अगस्त को इसका एग्जाम आपका जो होने वाला है JKPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का। अब बात करें जो आपकी कौन सी रहने वाली है JKPSC KAS का, जिसका आपका एग्जाम बात करें 24 सितंबर को होने वाला है। अभी उसका आपने मॉक टेस्ट पर ज्यादा जोर रखना है। मॉक टेस्ट अगर आप फ्रेशर हो, रिपीटर हो, मॉक टेस्ट पर ही अभी आपने ध्यान देना है, और मॉक टेस्ट जितने आप अभी लगाओगे और प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और उनको एनालिसिस करके जो उनमें आपका स्कोर कम हो रहा होगा उन्हीं के बेस पे अगर आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी जो प्रोसेस है, आपकी प्रोसेसिंग अच्छी होगी और आपको सिलेक्ट होने में आसानी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी स्टडी में जो लागू करना है मॉक टेस्ट, और आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू आपने बनाए रखनी है, और अच्छे से आपने जो मॉक टेस्ट लगाना है। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।